हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम टू MSS इंग्लिश क्लासेस एंड हियर इज द थर्ड चैप्टर ऑफ पोएट्री ऑन हिज ब्लाइंडनेस व्हिच इज अ पोयम फॉर क्लास 12th यूपी बोर्ड स्टूडेंट्स. द पोएट ऑफ दिस पोयम इज जॉन मिल्टन हु वाज अ ग्रेट पोएट ऑफ इंग्लैंड. इनका जन्म हुआ था लंदन में. लंदन जो कि इंग्लैंड की कैपिटल भी है और बहुत बड़ा सिटी है. ये जॉन मिल्टन के जो फादर थे वो प्यूरिटन थे और जॉन मिल्टन भी प्यूरिटन थे. प्यूरिटन क्या होते हैं? जो बाइबल पढ़ते हैं और बाइबल की लिखी बातों को ही गॉड का मैसेज मानते हैं. और जो ये कहते हैं कि जॉन मिल्टन भी कहते थे कि ये लाइफ जो है वो मौज मस्ती के लिए नहीं मिली है बल्कि ये मानव सेवा के लिए मिली है और इसे हमें यूं ही नहीं बेकार करना चाहिए बल्कि हमें जो भी करना चाहिए वो ईश्वर ने जो रास्ते हमें बताए हैं उन रास्तों पर चलना चाहिए और वो रास्ते थोड़े कठिन होते हैं लेकिन वो अच्छे होते हैं. तो ये कहते थे कि जो भी लिखा जाए लिटरेचर के अंदर वो एंटरटेनमेंट के लिए ना लिखा जाए बल्कि रिलीजियस पर्पज के लिए लिखा जाए, धार्मिक उद्देश्य के लिए लिखा जाए. क्योंकि मिल्टन ने जितनी भी पोएम्स लिखी हैं, जितने भी अपने प्लेज या और भी कोई जो भी वर्क लिखा है वो सभी में हम पाते हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं गॉड से रिलेटेड बातें लिखी हैं, रिलीजियस पर्पज से लिखा है और एक मानवता की भलाई उसमें दिखाई देती है हमें. और वो चाहते हैं कि जो लोग हैं वो स्वतंत्र रूप से जिएं और ईश्वर ने जो रास्ते बताए हैं उन्हीं पर चलें और अपनी लाइफ में परेशानियों से बच सकें. वैसे मिल्टन को भी जीवन में बहुत कठिनाइयां मिली हैं लेकिन वो मानते हैं कि ईश्वर हमें जो भी कठिनाई देता है वो कहीं ना कहीं हमारे ही पापों का प्रायश्चित होता है जो पनिशमेंट के रूप में हमें मिलता है और हमें उसे ईश्वर की इच्छा मान के स्वीकार कर लेना चाहिए. और जो लोग ऐसा करते हैं तो वो ईश्वर की सच्ची सेवा करते हैं. तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मिल्टन की जो आईसाइट थी वो पहले से ही बहुत कमजोर थी, आईसाइट वीक थी और इसीलिए वो बहुत ही कम आयु में एट द एज ऑफ 44 यानी कि 1608 में उनका जन्म हुआ था और 1652 में 1652 में वो कम्प्लीटली ब्लाइंड हो गए थे. डॉक्टर ने उन्हें सलाह दी थी कि आप ज़्यादा स्टडी मत कीजिए, आप थोड़ा सा अपनी आइज को रेस्ट दीजिए, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया. उन्होंने बहुत सारा लिटरेचर पढ़ा और बहुत सारी बुक्स पढ़ी और वो बहुत ही जल्दी थोड़ी आयु में ही अपनी आँखों की रोशनी खो बैठे. तो यहाँ पर हम पोयम में भी देख रहे हैं ऑन हिज ब्लाइंडनेस, अपने अंधेपन पर. तो यहाँ पोएट ने इस पोयम में अंधे होने के बाद जो फील किया कि उन्हें कैसा लगा ये सब इस पोयम के अंदर हमें वो बता रहे हैं. तो इस पोयम में वो बता रहे हैं, पहले तो हम पोयम के बारे में बात कर लेते हैं कि पोयम जो है ये ऑन हिज ब्लाइंडनेस एक सोनेट है. और सोनेट क्या होता है? 14 लाइन्स पोयम होती है. सोनेट टू टाइप्स होते हैं. सोनेट एक तो जो शेक्सपियर ने लिखे हैं उन्हें इंग्लिश सोनेट कहते हैं और एक जो मिल्टन ने लिखे हैं वो इटालियन सोनेट होते हैं. तो इटालियन सोनेट को ही मिल्टन ने फॉलो किया है जो उसका पैटर्न था और शेक्सपियर ने थोड़ा उसको चेंज कर दिया है. क्योंकि सोनेट का जो जन्म है, जो सबसे पहले लिखा गया है, वो इटली में ही लिखा गया था. पेट्रार्क को फादर माना जाता है सोनेट का. तो इसमें क्या होता है, इस जो सोनेट मिल्टन ने लिखे हैं इन्हें मिल्टनिक सोनेट भी कहते हैं. जब मिल्टन ने इटालियन सोनेट लिखने शुरू किए तो इनका नाम मिल्टनिक सोनेट हो गया क्योंकि इन्होंने इसमें थोड़ा सा सुधार भी किया. और इस सोनेट के अंदर टू पार्ट्स होते हैं जैसा कि हम देख सकते हैं पोएम में. फर्स्ट एट लाइन्स हैं, इनको हम ऑक्टेव कहते हैं. ये जो फर्स्ट एट लाइन्स हैं, फोर लाइन्स इस स्टैंजा में और फोर लाइन्स इस स्टैंजा में, तो ये टोटल एट लाइन्स हैं. तो इनको हम कहते हैं ऑक्टेव. ऑक्टेव क्या होता है? ऑक्टेव का मीन्स होता है एट लाइन्स. तो फर्स्ट एट लाइन्स को हम ऑक्टेव कहते हैं और लास्ट में हम देख रहे हैं ये हैं सिक्स लाइन्स, टू स्टैंजाज हैं थ्री थ्री लाइन्स के और इनको हम कहते हैं सेस्टेट मीन्स सिक्स. तो इस तरह से हमारी ये पोएम डिवाइड होती है. जो मिल्टनिक सोनेट है वो इस तरह से दो पार्ट में डिवाइड होती है. टोटल 14 लाइन्स हैं और
फर्स्ट 8 लाइंस को ऑक्टेव कहेंगे और लास्ट 6 लाइंस को सेस्टेट कहेंगे। तो यहाँ पर पोएट जो ऑक्टेव है, ऑक्टेव जो इनका एक पैटर्न होता है पोएम्स का, इनकी राइम स्कीम भी अलग अलग होती है, और ऑक्टेव में एक प्रॉब्लम बताई जाती है और सेस्टेट में उसका सॉल्यूशन बताया जाता है। तो ऐसे ही इस पोएम में भी जॉन मिल्टन जो है एक कंप्लेन कर रहे हैं गॉड से कि उन गॉड ने उनकी आंखों की रोशनी क्यों छीन ली है, और अब वो कैसे मतलब अपने टैलेंट का यूज करेंगे, जो टैलेंट उन्हें गॉड ने दिया है तो उसको वो कैसे अब यूज करें, और वो कौन से टैलेंट की बात कर रहे हैं हम पोएम में अभी बात करेंगे। पहले हम जान लेते हैं इनकी राइम स्कीम को, कि राइम स्कीम किस तरह से होती है ऑक्टेव की और सेस्टेट की। हम देख रहे हैं स्पेंट। अब स्पेंट जो है वो किससे राइम कर रहा है, बेंट से, तो इसे क्या कहेंगे हम, स्पेंट ए, ठीक है। अब स्पेंट हम नेक्स्ट लाइन में आएंगे तो वाइड है और ये इससे राइम नहीं कर रहा, तो इसको हम कहेंगे बी। फिर वाइड आगे आएंगे तो हाइड, तो वाइड से ही राइम कर रहा है तो इसको भी हम कहेंगे बी। अब हम देखते हैं फोर्थ लाइन में बेंट, स्पेंट से राइम कर रहा है तो इसको हम कहेंगे ए। तो इस तरह से इस स्टेंजा की राइम स्कीम हो गई ए बी बी ए। फिर नेक्स्ट स्टेंजा में हम आते हैं तो हम देखते हैं प्रेजेंट। अब प्रेजेंट किससे राइम कर रहा है, बेंट और स्पेंट से, तो ये भी क्या हुआ, ए। नेक्स्ट लाइन में आते हैं चाइल्ड, आई, तो हम देखते हैं ये इससे राइम कर रहा है वाइड और हाइट से, तो ये भी क्या हुआ, बी। फिर डिनाइट, डिनाइट ये भी इसी से राइम कर रहा है तो ये भी बी। और प्रिवेंट, प्रिवेंट किससे राइम कर रहा है, प्रेजेंट से, और ऊपर वाले स्टेंजा में बैंट स्पेंट सभी राइम कर रहे हैं तो ये क्या हुआ, ए। तो ऑक्टेव की राइम स्कीम इस तरह से लिखी जाती है ए बी बी ए बी बी ए। अब नेक्स्ट सेस्टेट में आते हैं तो सेस्टेट में हम देखते हैं नीड। अब नीड कोई भी फर्स्ट स्टेंजा या सेकेंड स्टेंजा की किसी भी वर्ड से राइम नहीं कर रहा है तो इसको हम क्या लिखेंगे, सी। नेक्स्ट लाइन में आते हैं हम तो नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बेस्ट। अब इससे राइम नहीं कर रहा है तो इसे कहेंगे हम डी। फिर हम स्टेट, हम देखते हैं स्टेट ये भी इसी से किसी से राइम नहीं कर रहा तो इसे कहेंगे ई। तो क्या हो गई राइम स्कीम तीन लाइंस की, सी डी ई। फिर नेक्स्ट थ्री लाइंस में आते हैं स्पीड। अब स्पीड किससे राइम कर रहा है, नीड से, तो ये नीड क्या है, सी, तो ये भी हम इसे लिखेंगे सी। फिर रेस्ट, रेस्ट किससे राइम कर रहा है, बेस्ट से, तो इसे लिखेंगे डी। वेट, वेट किससे राइम कर रहा है, स्टेट से, तो इसे लिखेंगे ई। तो इस तरह से सेस्टेट की राइम स्कीम हो गई सी डी ई सी डी ई, और इस तरह से राइम स्कीम लिखी जाती है। अब समझते हैं पोएम की एक्सप्लेनेशन को। When I consider how my light is spent, ere half my days in this dark world and wide, and that one talent which is death to hide, lost with me useless, though my soul more bent. When I consider how my light is spent, इसमें पॉइंट कह रहे हैं कि when I consider, जब मैं सोचता हूँ, consider का means think, जब मैं सोचता हूँ how my light is spent, कि किस प्रकार मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, किस तरह से मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, जब मैं ये बात सोचता हूँ तो मैं बहुत परेशान हो जाता हूँ, बहुत दुखी हो जाता हूँ। इरे हाफ माई डेज, और मेरी आंखों की रोशनी, इरे मीन्स पहले, हाफ मीन्स आधे, माई डेज मेरी, डेज मीन्स लाइफ, यानी कि लाइफ के आधे, यानी कि जो जीवन है आधे जीवन से पहले ही मेरी आंखों की रोशनी चली गई है। और जब पोएट इस बात को सोचता है तो बहुत परेशान हो जाता है, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड, तो वो कह रहा है कि ये संसार जो कि मेरे लिए मतलब पहले से ही बहुत बड़ा संसार है, ये संसार बहुत विस्तृत है, वाइड है, लेकिन अब ये पूरा क्या हो गया है, अंधकार से भर गया है, अब पूरा अंधकार ही अंधकार हो गया है मेरे लिए, और अब मैं बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता हूं जब भी मैं इस बात को सोचता हूं। एंड दैट वन टैलेंट, और मैं सोचता हूं कि जो वो वन टैलेंट ईश्वर ने मुझे दिया था, कौन से टैलेंट की बात यहाँ पोएट कर रहा है, पोएटिक टैलेंट, पोएट के पास वो पोएटिक टैलेंट है जो गॉड ने दिया है उसको, और वो कह रहा है कि वो मेरा जो पोएटिक टैलेंट है, जो काव्यात्मक योग्यता भगवान ने मुझे दी है, विच इज डेथ टू हाइड, अब उसे मृत्यु छिपा लेगी, यानी कि अब वो कहना चाह रहे हैं कि अब मेरी लाइफ में मैं इस टैलेंट का यूज नहीं कर पाऊंगा और मृत्यु आएगी, और इस मृत्यु के साथ ये टैलेंट भी चला जाएगा। लॉस्ट विद मी यूजलेस, लॉस्ट मीन्स रहना, पड़े रहना,
साथ में रहना, लॉस्ट कहा जाता है, विद मी यूजलेस, तो क्या चीज साथ में है, पड़ी हुई है, विद मी मेरे साथ, यूजलेस बेकार, वो पोएटिक टैलेंट। वो कह रहा है कि वो पोएटिक टैलेंट अब मेरे पास बेकार है, अब उसका कोई यूज नहीं है, अब मैं पोयम नहीं लिख सकता, ईश्वर की भक्ति नहीं कर सकता। पोएट अपने पोएटिक टैलेंट को मानते थे कि वो जो पोएम्स लिख रहे थे वो भगवान की स्तुति में लिख रहे थे, ईश्वर की भक्ति के लिए लिख रहे थे, सभी को ईश्वर के बताए रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित कर रहे थे, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि अब ये टैलेंट मेरे लिए बेकार हो गया है और अब मैं इसका प्रयोग नहीं कर सकता, और इसे अब मृत्यु, कुछ दिन बाद मृत्यु आएगी और इसे छिपा लेगी, मृत्यु के साथ ये चला जाएगा। दो माय सोल मोर बेंट, वो कह रहे हैं यद्यपि मेरी जो आत्मा है मोर बेंट, बहुत उत्सुक है, बेंट का मीन्स एक्साइटेड है, क्यूरियस है, बहुत ही ज्यादा उत्सुक है, किस बात के लिए, टू सर्व देयर विद माय मेकर, टू सर्व सेवा करने के लिए देयर विद उसके साथ, किसके साथ, उस पोएटिक टैलेंट के साथ सेवा करने के लिए, माय मेकर मेरे क्रिएटर की, मेकर का आप देख रहे हैं एम कैपिटल बना हुआ है, तो ये गॉड के लिए आया है, क्रिएटर के लिए आया है, तो वो कह रहे हैं कि मेरा जो क्रिएटर है, मेरा जो भगवान ईश्वर है जिसने मुझे बनाया है, उस ईश्वर की सेवा करने के लिए, कि मैं इस टैलेंट से उस ईश्वर की सेवा करूं, मेरी आत्मा बहुत उत्सुक है, लेकिन मैं कैसे करूं, मेरी आंखों की रोशनी चली गई है, मैं कैसे करूं इस सेवा को, एंड प्रेजेंट माय ट्रू अकाउंट। और वो कह रहा है कि मैं, मेरी आत्मा चाहती है कि मैं उसकी सेवा करूं और ईश्वर के सामने प्रेजेंट करूं, प्रस्तुत करूं माय ट्रू अकाउंट, अपने सच्चे अकाउंट को। अकाउंट क्या होता है, लेखा जोखा, कि ईश्वर ने जो मुझे टैलेंट दिया है और उस टैलेंट का मैंने किस प्रकार प्रयोग किया, कि मैंने उसकी स्तुति की या नहीं की उस टैलेंट से, तो वो जो सच्चा लेखा जोखा है मैं उसके सामने प्रस्तुत करूं। लिस्ट, यहाँ पे ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये जो वर्ड है ये होता है लिस्ट, लेस्ट, LEST, तो लेस्ट मीन्स होता है कहीं ऐसा ना हो, ही वह, वह कौन, गॉड यानी कि ईश्वर, ये एच भी यहाँ पे कैपिटल है, मिसप्रिंट है इसमें, तो लेस्ट ही, कहीं ऐसा ना हो ही कि वह रिटर्निंग चाइल्ड, रिटर्निंग चाइल्ड यानी कि लौटने पर चाइल्ड करे, वो मुझे डांटे, कि अगर मैंने इस टैलेंट से उसकी सेवा नहीं की, और जब मेरा अकाउंट, मेरा जो ट्रू अकाउंट है कि मैंने इस लाइफ में आके क्या किया, गॉड ने यहाँ पे पृथ्वी पर भेजा था कि जाओ तुम, जिस पर्पज से भेजा था उस पर्पज को मैं अगर पूरा नहीं कर पाया, मैं उसके स्तुति में पोएम्स नहीं लिख पाया, मैं लोगों को उसकी, उसका भजन करने के लिए, उसकी प्रेयर करने के लिए, ईश्वरीय रास्तों पर चलने के लिए प्रेरित नहीं कर पाया, तो कहीं ऐसा ना हो जब मेरा अकाउंट उसके सामने जाए, मेरा जो लेखा जोखा है जीवन का उसके सामने जाए, तो जब मैं यहां से लौट के जाऊं, लौट के मीन्स मृत्यु के बाद, क्योंकि सभी को जाना होता है, तो कि जब मैं लौट के जाऊं तो कहीं ऐसा ना हो कि वो मुझे डांटे कि तूने मेरे दिए हुए टैलेंट का प्रयोग क्यों नहीं किया। डथ गॉट एग्जैक्ट डे लेबर, अब यहां पे पॉइंट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, एक तरह से कंप्लेन कर रहे हैं गॉड से कि डथ, डथ मीन्स क्या, डज, जैसे डज होता है हेल्पिंग वर्ब, तो पॉइंट 17 सेंचुरी के पोएम्स में ये लिखते थे डू डज को डथ, तो क्या गॉड, ईश्वर एग्जैक्ट करता है, क्या ईश्वर डिमांड करता है, ईश्वर, ईश्वर को चाहिए कि डे लेबर, कि दिन भर मनुष्य परिश्रम करे उसकी सेवा में, जैसे एक मजदूर सुबह जाता है और शाम तक हार्डवर्क करता है और फिर वो मजदूरी पाता है, तो क्या ईश्वर ऐसी ही डिमांड करता है। और यहाँ पे जो पॉइंट डे को जो एम्फेसिस कर रहे हैं, जोर डाल रहे हैं, वो इसलिए कि उनकी आंखों की रोशनी तो चली गई है, तो वो कैसे दिन भर परिश्रम करें, कैसे पोएम्स लिखें, तो क्या ईश्वर भगवान से भगवान जो है वो मनुष्य से चाहता है कि क्या वो दिन भर मेहनत करे, और अगर वो ऐसा मांग, उसकी ऐसी डिमांड है, अगर वो ऐसा चाहता है, तो अगर वो ऐसा दबाव डालता है तो लाइट डिनाइड, तो फिर उसने मेरी आंखों की रोशनी क्यों डिनाइड कर ली, क्यों छीन ली, क्यों इससे मुझे वंचित कर दिया। डिनाइड का मीन्स क्या होता है, वंचित करना किसी चीज से, किसी चीज से को छीन लेना, डिप्राइव्ड ऑफ आई साइट, और पॉइंट को यहाँ उसकी आंखों की रोशनी से वंचित हो गया है वो, तो यहाँ अब वो क्या कर रहा है, गॉड से कंप्लेन कर रहा है कि फिर उसने मेरी आंखों की रोशनी क्यों छीन ली। आई फॉन्डली आस्क, अब यहाँ पे पॉइंट कह रहा है कि मैंने पूछा फॉन्डली, कैसे, मूर्खता से, कि मैंने पूछा जरूर ये बात, लेकिन ये मेरी मूर्खता थी,
कि मैं मुझे ऐसा नहीं पूछना चाहिए था, मुझे गॉड से ऐसी कंप्लेन नहीं करनी चाहिए थी और ये बात मुझे थोड़ी देर बाद ही महसूस हो गई, बट पेशेंस टू प्रिवेंट। और किसने महसूस कराई? उसके धैर्य ने। पेशेंस क्या होता है? धैर्य। धैर्य ने प्रिवेंट कह रहा है, रोक लिया मुझे, कि मैंने जब इस बात को एनालाइज किया तो मैंने बहुत महसूस किया कि अरे मुझसे तो गलती हो गई, मैंने तो गॉड से कंप्लेन कर दिया। ये तो पेशेंस ने उसको, फिर धैर्य ने उसको रोक लिया। और दैट मर्मर सून, आज हमने इसमें ऑक्टेव को कंप्लीट कर लिया है, अब सेस्टेट को नेक्स्ट पार्ट में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।